हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे CET 1 पेपर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इन्होंने एक पैसेज दे रखा है और पैसेज को मैच करा के इन्होंने हमको जो है कुछ इन्होंने सिंगल करेक्ट क्वेश्चन दे रखे हुए हैं। तो अब ऐसा कैसे इसमें हम लोग के लिए आसान हो जाता है, जब सिंगल करेक्ट है तो आसान हो जाएगी चीजें। क्या दिया हुआ है देखना आप, इन द क्वेश्चन नंबर 37 में पहला दिया हुआ है, इन्होंने कॉलम बनाया हुआ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को कंसीडर करके उस रेशियो को लिया हुआ है। पहला देखते हैं काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हम लोग बोलते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी जस्ट डबल होता है और निगेटिव साइन के साथ होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और इसको लिखा जाएगा 27.2 माइनस में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी -1/2 आएगी। इज देयर एनी ऑप्शन इज देयर, हाँ देखो आप जो है इसके लिए पी के लिए, ये पी बेसिकली मैं कंसिडर किया था, पी के लिए 2 जा रहा है। और देखते हैं क्यू के केस में पोटेंशियल एनर्जी +2 × काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसे केस है कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ है और पोटेंशियल एनर्जी डबल है और साथ में निगेटिव चार्ज निगेटिव साइन के साथ में, तो अब ऐसे केस है कि इसको अगर आप लिखते हो तो 27.2 + 13.6 × 2 दैट विल गिव 0। जीरो किस में है, फोर्थ में, तो इस केस में आपका 2 और इस केस में 4 आ गया। आर की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी होता है -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, टोटल एनर्जी की बात करें तो निगेटिव में होगा लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद आता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इज 2 इज देयर एनी ऑप्शन इज देयर 1, ठीक है 1 का केस हो जाएगा। आर के लिए एस की बात कर लेते हैं, तो एस के केस में काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की पता है वैल्यू कितना है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बोर ऑर्बिट में पूछा हुआ है एनर्थ बोर ऑर्बिट में, और काइनेटिक ऑब्वियस सा केस है कि टोटल एनर्जी माइनस में जाएगा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा रेशियो -1 का। कोई है इसमें ऑप्शन, थर्ड जा सकते हैं, तो 2413 ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 37। क्लियर बात है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बोला गया है कि यहाँ पे भी सेम केसेज है, आपको क्या दिया हुआ है स्ट्रक्चर दे रखे हैं और उसमें रिलेशन बना रखा हुआ है, रिलेशन के बेसिस पे बोला गया कि व्हाट विल बी द रिलेशन। तो देखते चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में ये कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें पहला इन्होंने एक एस्टर दिया हुआ है, मेथनोवेट एस्टर है, मेथनोवेट एस्टर है 1 2 3, यहाँ पे भी मेथनोवेट एस्टर ही है। ध्यान है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख लेना सेम है कि नहीं। अच्छा दोनों में रिलेशन क्या होगा, हम लोग क्या बोलते थे, ये डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलावा अगर नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप वेरी करता है, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप वेरी करता है, उसका जो रिलेशन होता है दे विल बी मेटामर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे एक लीनियर चेन है और यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है, दे आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर एंड देन विच ऑप्शन विल बी देन करेक्ट फॉर पी, That will be 2. ये P के लिए हम लोग 2 जा सकते हैं because they are the metamers. Next आप देख लो Q के केस में एक इन्होंने primary aromatic amine दिया हुआ है, that is NH2 और यहाँ पे आपका है CH3, दूसरा इन्होंने दिया हुआ है NHCH3। देख लेना molecular formula ही same, ध्यान से देखो molecular formula ही same। अब केस में क्या है, एक primary amine है और secondary, मैंने clearly ये point लिखा है कि primary, secondary and tertiary amines are फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि इस केस में थर्ड विल बी करेक्ट। हो गया। नेक्स्ट आर की बात करते हैं, ठीक है आर की बात करें तो यहाँ पे भी केस क्या है, प्राइमरी अमीन दिया हुआ है, तो अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गया अगर प्राइमरी अमीन दिया हुआ है, उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो चेन देख लेते हैं 1 2 3। PCM में फेल थे राजू, अच्छा वो याद रखना, उसी बेसिस पे आप जा सकते हो इसमें रिलेशन के लिए। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गए और प्राइमरी अमीन है, डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं कि हम लोग मेटामर्स के लिए जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं जो है चेन आइसोमर्स के लिए, तो चेन आइसोमर्स में 1 2 3 देख लो आप, पोजिशन आइसोमर्स के लिए सॉरी, तो पोजिशन चेन तो सेम ही हो गया ना, 1 2 3 1 2 3 चेन सेम है, पोजिशन डिफर कर रहा है, तो दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट विल बी करेक्ट फॉर आर। यस की बात कर ले तो यस के केस में बहुत सिंपल सा केस है कि सी एन दिया हुआ है 1 2 3, एक ही बचा हुआ है हमारे हाथ में, दैट इज चेन आइसोमर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3,
1 2 3 1 2 3 4, यानी कि अब इस केस में आप देखो कि यहाँ पे साइज ऑफ पेरेंट चेन चेंज हो गया, तो दे आर द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि फोर्थ विल बी करेक्ट 2 3 1 4. 2 3 1 4 ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 38. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39. ठीक है, इसमें बोला है कि फोटोन ऑफ इक्वल एनर्जी आर इंसिडेंट इन टू डिफरेंट हाइड्रोजन लाइक सैंपल. एनर्जी सेम है, ठीक है. अब इस एनर्जी का यूज कहां किया जा रहा है? वन कंटेनिंग हीलियम प्लस आयन इन द N1 स्टेट, अदर कंटेनिंग लिथियम 2 प्लस आयन इन द N2 स्टेट. द फोटोनिक बीम आयोनाइज बोथ द सैंपल इफ द डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेज ऑफ N2 माइनस N1. अब देखो, अब इसे कैसे एनर्जी दिया गया, फोटोन की एनर्जी यूज की गई जो कि 13.6 Z² / N1² यही चाहिए होगा एनर्जी. इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आयोनाइज करने के लिए. बचा जो भी एनर्जी है ये यूज किया जा रहा है किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी. दूसरा रिलेशन देखना, दूसरा फोटोन. तो यानी अब दोनों के केस के लिए कंसीडर करना, आप मान लो हीलियम प्लस आयन कंसीडर किया जाए तो 13.6 Z² हो गया आपका 4² ये हो गया N1² सॉरी 2² यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पे 2² के फॉर्म में रखता हूँ प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, एनर्जी दूसरे के केस में 13.6 3² लिथियम है ना डिवाइड बाई N2² दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2. अब इन दोनों के डिफरेंस को, डिफरेंस दिया हुआ है इनके मैग्नीट्यूड का, तो अगर काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड का अगर फर्स्ट माइनस सेकेंड करता हूं तो जो रिलेशन आएगा, मैं इसको मॉड में ही रखता हूं, काइनेटिक एनर्जी 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 13.6, ठीक है 13.6 ये हो जाएगा 2² / N1² माइनस 13.6 3² / N2² करेक्ट ना, ये हो जाएगा. अब सिंपल सा केस है, यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2.55 इलेक्ट्रॉन. इसको चाहो तो आप 13.6 के फॉर्म में लिख सकते हो और वहां से N1 माइनस N2 का रिलेशन आ जाएगा. तो बेसिकली अगर आप सॉल्व करोगे इसको, आप सॉल्व करते रहना, मैं क्या बोला हूं सॉल्व करने के लिए, आप इसको जो है 13.6 के फॉर्म में लिख दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा. अदरवाइज थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, 13.6 को आपको इधर लाना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा जो है वैल्यूज रख के पुट करके देखना पड़ेगा. एक और वे है कि इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर दो इन द फॉर्म ऑफ 13.6 1/N1² / N2² उस फॉर्म में लिख जाओगे तो अब इस केस है कि यहां से सॉल्व हो जाएगा और जो आपका रिलेशन आएगा N1 - N2 का, ये रिलेशन या तो 2 दे सकता है या ये 8 होगा. तो ऑप्शन ए एंड बी विल बी करेक्ट. मैं इसके मैथमेटिकल पार्ट में नहीं एंटर करना चाहूंगा, यहां से आप सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, तो 40 के केस में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज आर पॉसिबल. ठीक है, अब देखो इस केस में हम लोग जो है रिलेशन पता है कि एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू जो 0 से N-1 तक जाता है ये हमारा कहता है एजिमिथल क्वांटम नंबर, और एम एल की वैल्यू होती है माइनस एल से लेके एल के बीच में -L to L, और जो है आपको पता है स्पिन क्वांटम नंबर पता है कि यह तो प्लस हाफ हो सकते हैं या माइनस हाफ हो सकता है. ठीक है, तो आप देखो कौन सा इसमें से करेक्ट पॉसिबल होगा. ठीक है, तो पहला केस देखो, एन की वैल्यू 1 दिया हुआ है, एल की वैल्यू 0 हुआ है, एम एल की वैल्यू 0 है, एम एस की वेल करेक्ट है, ये तो पॉसिबल हो सकता है क्वांटम नंबर ना. सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है, N = 1, L = 1, ये गलत है, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि देखो एल की वैल्यू जो है शुरू हो रहा है 0 से लेकर N-1 तक जा रहा है, तो एन और एल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, सेम नहीं हो सकती, बी इज इनकरेक्ट. देन सी ऑप्शन देखा जाए तो 2, 1 दिया एल की वैल्यू 0 - 1/2, तो अब इस करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, तो यानी कि हमारे इस केस में सिंपल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नहीं करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका AC D विल बी करेक्ट ऑप्शन. 41 इस केस में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ रिसोर्स इनर. मैंने इसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म दिया था CRQ. क्या था ये? कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और ये क्यूनॉल या हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, दोनों चीजें पढ़ा जाता है, हाइड्रोक्यूनॉन या क्यूनॉल. ठीक है, क्यूनॉल पढ़ा जाता है, तो वो भी करेक्ट ही है. तो देखो क्या होता है, कैटेकॉल क्या होता है, कैटेकॉल बोलते हैं हम लोग दिस OH अर्थ वाला पोजिशन. रिसोर्सिनॉल होता है मेटा वाला पोजिशन, इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सिनॉल. और की होता है क्यूनॉल यानी कि हाइड्रोक्यूनॉल, हाइड्रोक्यूनॉन ये पैरा वाले पोजीशन. तो दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. कोई है ऑप्शन इसमें से? देखो कैटेकॉल हो जाएगा,
और हाइड्रोक्विनोन हो जाएगा, ऑर्थोक्रिजॉल नहीं होगा। ऑर्थोक्रिजॉल आपका ये होता है, यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया और यहाँ पे OH लगा दिया, इसको बोला जाता है ऑर्थोक्रिजॉल। फिनॉल आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं होगा, इसका भी इन दोनों का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं होगा ना, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो क्लियरली 41 के केस में आप ऑप्शन ए और बी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट IPEC नेम। देखना ध्यान से आप, पहला केस ऑप्शन देखना, इसमें मेंशन किया हुआ है, आप क्या करो इसमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो और देख लो कि ये नेम करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। जैसे इन्होंने बोला है 3-methylene-butanamide, 1-2-3-4 हो गया अमाइड और 3-methylene दिया हुआ है, तो 3-methylene ही होगा। अच्छा ये करेक्ट नेमिंग है क्या? देखो आप क्या करते हो, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में ध्यान रखते हो कि आप लॉन्गेस्ट चेन के लिए जाते हो जो कॉन्टेन करे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को साथ साथ में डबल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, बट किसने क्या किया है, इसने पेरेंट चेन इसको लिया हुआ है जो कि गलत है। क्या होगा, पेरेंट चेन ये जाएगा, यानी कि जो ये नेमिंग है हम लोग का ये इनकरेक्ट हो जाता है, और यही हमसे पूछा भी है कि विच आर इनकरेक्ट। ठीक है, ए इज इनकरेक्ट। बी की बात कर ले, बी आप देखो ऑप्शन में क्या मेंशन किया गया है, तो इसमें मेंशन इन्होंने किया हुआ है एथिनाइल साइक्लोहेक्सेन, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर गया है एथिनाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो हम लोग क्या करते थे, जब रिंग और चेन की बात होती, साइड चेन की बात होती थी, तो जिसमें अनसैचुरेशन होता था वो हमारा पेरेंट चेन होता था, तो इसका जो करेक्ट नेमिंग होगा वो होगा साइक्लोहेक्साइल इथीन, ना कि यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है एथिनाइल साइक्लोहेक्सेन वो गलत है, साइक्लोहेक्साइल इथीन इज करेक्ट, यहाँ की बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये थोड़ा सा आप जो है गलत किए हो, ध्यान से अगर नंबरिंग आप देख लेते तो इस केस में गलत थी नहीं होती। तो 1,2,5 ट्राइब्रोमो, 1,2,5,3,4,5 ट्राइब्रोमो, देन 3,4,6 ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग 1,2,3,4,5,6, क्या ये नंबरिंग करेक्ट है? एक और नंबरिंग मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन को 5 मिला है, अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँ 1,2,3,4 देख रहे हो आप, तो इस केस में इस ब्रोमीन को 4 मिल जा रहा है, तो अब ऐसे केस है कि ये जो नंबरिंग हुई है ये इनकरेक्ट नंबरिंग है, जो इधर नंबरिंग किया गया है, यानी कि सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसका जो नेमिंग जाएगा ऐसे जाएगा 1,2,4 ट्राइब्रोमो, और फिर आप जो है क्लोरो के लिए भी कंसिडर कर सकते थे 3,5,6 ट्राइक्लोरो जो है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट जो इन्होंने नेमिंग दिया हुआ है। डी की बात कर ले, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथेन, सही है कि जब हम लोग बोलते हैं कि कई सारे रिंग अगर साइड चेन से जुड़े रहेंगे तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, जो साइड चेन है उसको प्रिंसिपल पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, तो ये सिंपल सा कैसा ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथेन। तो ए बी सी इज अ करेक्ट इनकरेक्ट इन दिस केस, हम लोग तुझसे वही पूछा हुआ है इनकरेक्ट IPEC नोमेनक्लेचर कौन सा होगा, तो ए बी सी विल बी ऑप्शन फॉर 42। नेक्स्ट मूव करते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेड ऑफ पावर एक्स वाट एमिट एस ट्वाइस एज मेनी फोटोन एज द 1,000 नैनोमीटर एज अनदर लेड ऑफ 5 वाट एट 400 नैनोमीटर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये केस है कि यहाँ पे जो रिलेशन जाता है E इक्वल टू NSc/लैम्ब्डा, ये आपको पता होगा। ठीक है, NSc/लैम्ब्डा। अच्छा इस केस में हम लोग को क्या दिया हुआ है कि जो है जो एक लेड है जिसका पावर जो है X है, ठीक है, जिसका पावर X है, ये पर यूनिट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, X है इस एक के केस में, और जो फोटोन एमिट कर रहा है मान लो 2N ये इमिट कर रहा है क्योंकि डबल दिया हुआ है SC/लैम्ब्डा, लैम्ब्डा जो है इसके लिए मैं 1,000 कंसीडर कर लेता हूँ, एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा इन्होंने बोला है कि 5 वाट का है लेकिन इसमें जो फोटोन रिलीज हो रहा है एन रिलीज हो रहा है ये एससी हो गया, और जो वेवलेंथ है लाइट का फोटॉन्स का वो 400 नैनोमीटर। ठीक है, 400 नैनोमीटर है। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लो। ठीक है, सिंपली आप सॉल्व करोगे क्या कैसे जाएगा, देखो आप ये आपको एक्स चाहिए ना, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ एक्स बाई फाइव, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे 400 जाएगा, डिवाइड बाई थाउजेंड कितना वैल्यू आ जाएगा, देख लो ये कैंसिल हो गया, 5 ये 2 गया और ये 2 कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू 4 वाट। तो यहाँ पे करेक्ट है, x इज इक्वल टू 4 के लिए हम लोग जा सकते हैं 43 के लिए,
44 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वांटाइज। तो क्वांटाइज क्या बोला जाता है कि एक पार्टिकुलर सेगमेंट का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, ठीक है। तो एस जो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, यानी कि मीनिंग क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं कि एच बाई टू पाई का जो है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। तो अब इस कैसे कि क्वांटाइज मीन्स आप दे है इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे सीढ़ी आप देखते हो, सीढ़ी में 1, 2, 3 इस तरीके से होता है। जो अगर क्वांटाइज किया जाए तो पार्ट बाई पार्ट हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सच दैट ईच पार्ट विल बी द मल्टीपल ऑफ सम बेसिक यूनिट। यहाँ पे भी वही कहानी है, देखो आप कि किस केस में जो है हम लोग का क्वांटाइज रहेगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये क्वांटाइज नहीं रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कोई भी वैल्यू ले सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर वैल्यू ही लेगा। क्वांटाइज बोलने का मीनिंग ये भी हुआ कि एक पार्टिकुलर वैल्यूज वो एक्सेप्टेबल है, अदर जो वैल्यूज हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी के केस में तो कोई वैल्यू एक्सेप्ट किया जा सकता है, दिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू बी क्वांटाइज। देन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, क्या ये क्वांटाइज होगा? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, ये सही है, टोटल एनर्जी को क्वांटाइज होना चाहिए। टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होगा, भले काइनेटिक एनर्जी क्वांटाइज नहीं होगा, बट टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी क्वांटाइज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी क्वांटाइज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम, ऑब्वियस केस, एंगुलर मोमेंटम विल बी क्वांटाइज ओनली, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो क्वांटाइज, वेलोसिटी इज आल्सो क्वांटाइज। रेडियस आल्सो क्वांटाइज, ठीक है, रेडियस इज आल्सो क्वांटाइज। देन यहाँ पे मेंशन किया है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, गलत है, वेवलेंथ तो क्वांटाइज नहीं है ना, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट क्वांटाइज नहीं है। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दैट इज करेक्ट, एक्साइटेशन एनर्जी क्वांटाइज है। टोटल क्वांटाइज जो होंगे इस केस में वो हो जाएंगे 6। 44 के लिए 6 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45, देखना आप ध्यान से, 45 क्या दिया हुआ है 45 में, लेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ASL is 16 and the value of azimuthal quantum number for unpaired electron in vanadium BB, then the find the value of A plus B। अब देखो सिंपल सा केस है कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि Ath जो ऑर्बिटल सेल है उसमें जो ऑर्बिटल है वो 16 प्रेजेंट है, तो A square is equal to 16, A की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 16 एंड द वैल्यू ऑफ azimuthal क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वेनेडियम is 23 BB, then find the value। दोनों different है एक तरीके से, A की value तो 4 आ गया, B की बात किया गया है कि बोला गया कि azimuthal quantum number for unpaired electron in the vanadium atom जिसका Z की value 23 दिया हुआ इन्होंने, तो आप निकाल सकते हो scandium, titanium, vanadium। ये ध्यान रहे कि 3D series हम लोग को later on सीखना पड़ेगा, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, तो आसानी हो जाएगा आपको क्योंकि 3D सीरीज आगे बहुत हेल्प करने वाला है। तो कहाँ पे हम लोग रुके थे, यहाँ पे रुक रहे हैं हम लोग वेनेडियम पे, तो स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3D3 4S2, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वेनेडियम, ये तो पेयर्ड है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो तो azimuthal क्वांटम नंबर इसके लिए क्या हुआ, डी किसको डिनोट करता है, डी डिनोट करता है एल इक्वल टू 2 के लिए। तो अब ऐसा कैसे कि जो बी की वैल्यू होगी बी इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 दैट विल गिव हाउ मच, दैट विल बी 6, ठीक है। तो 45 के केस में 6 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 46 की बात करें, क्या बोला है कि द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जो है ये केस है आपका डेल एक्स इंटू एम डेल पी डेल वी सॉरी इज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई, सही है जितना। अच्छा क्या बोला है कि जो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी है ये इक्वल टू है डी ब्रोगली वेवलेंथ में, मींस डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लैम्डा कंसीडर किया जाए तो ये रिलेशन कुछ ऐसे बन के आ जाएगा, ठीक है, h बाई 4 पाई। अब इसको थोड़ा सा कंसीडर किया जाए, यहाँ से इसको लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ h बाई एम वी, ये हो जाएगा m डेल v दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h बाई 4 पाई, दिस विल गेट कैंसिल, एच एम एम गेट कैंसिल, एच एच गेट कैंसिल, डेल v बाई v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h बाई 4 पाई, सॉरी h विल गेट कैंसिल, ठीक है, यही होगा रिलेशन, यही रिलेशन होगा। फाइंड द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एरर मेजर, यही मिनिमम एरर होगा। अब परसेंटेज मेंशन किया हुआ है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका नियर बाई वैल्यू दे देगा 8 के बाद,
80 तो आएगा, ये हो जाएगा 4 × 3.14 यानी कि 1200 बाई 12 V8 के आसपास की वैल्यू दे देगा। तो सिंपल सा कैसे कि ये 46 केस में 8 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 47। क्या बोला है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू स्टेट टू सम हायर स्टेट। सिंपल सा केस है इसमें कि जो है फोटोन जो रिलीज किया जाएगा जब हीलियम ट्रांजिशन करेगा n इक्वल टू 2 से कोई स्टेट में, दैट इज 10.2। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है। सिंपल सा केस है हीलियम के, इसको लिखा जाए तो 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2² दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2² माइनस 1/n², ठीक है, दैट दे हैव गिवन 10.6। जेड की वैल्यू हम लोग को पता है, इस केस में जेड क्या हो जाएगा, जेड हमारा जो है हीलियम के लिए 2 हो जाएगा। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, एन के लिए अगर जेड की वैल्यू 2 रख दिया आपने तो एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और वो सिंपली 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एन इक्वल टू 4 पे ये वैल्यू देगा 10.2। यानी कि जो फोटोन रिलीज होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब दिस मच, तो फाइनल स्टेट होगा ये हो जाएगा एन इक्वल टू 4। तो इसको आप कंसीडर करो। 48 में अभी कुछ करना नहीं है हमें, 48 में बहुत ही सिंपल बोला है, क्या मेंशन किया हुआ है, बोला गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फेट आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ K2SO4। जैसे एलएम का फॉर्मूला दिया हुआ है, एल्युमिनियम सल्फेट 24S2। अब ऐसे कैसे सल्फेट आपको दिख ही रहा है, K2SO4 है वो भी सल्फेट आयन जनरेट करेगा, तो एक सल्फेट तो K2SO4 से आ गया, एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें तो 3 वहां से आ जाता है, टोटल जो है 4 सल्फेट आयन जनरेट किए जाएंगे, तो 4 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्शियरी ब्रोमाइड फॉर फॉर्मूला C5H11Br, ड्यू इसका कैलकुलेट करोगे तो इन दैट केस ये देगा ड्यू इक्वल टू 0। अब देखो इस केस में आपको चाहिए टर्शियरी ब्रोमाइड, कैसे बनाया जा सकता है टर्शियरी ब्रोमाइड, तो इन दैट केस यही आएगा टर्शियरी ब्रोमाइड, लेकिन इसमें तो 4 कार्बन है, तो किसी एक कार्बन को आप किसी भी इन तीनों में से जोड़ दो, जो कि आपका टर्शियरी ब्रोमाइड हो गया। अच्छा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज है इसमें नहीं, तो यहाँ से x जो है बोला गया है कि इसके लिए जो नंबर ऑफ टर्शियरी ब्रोमाइड होगा वो x की वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर है बात। नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इज C6H13Br, ठीक है, नेक्स्ट मेंबर है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, मैं 5 यहाँ रख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मिथाइल रख दूँ और ब्रोमीन यहीं पे अटैच करा दिया जाए तो एक स्ट्रक्चर ये आएगा। उसके अलावा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐसे करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये किसके साथ आ गया, ये आ गया जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 4 मेंबर चेन का, ठीक है, सॉरी पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम। अब देखो मान लो कि 4 कार्बन कर दिया जाए ऐसे और ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आप ब्रोमीन लगा तो किसी एक पोजीशन पे, चाहे यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ, ये 3° ब्रोमाइड दे देगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, तो x प्लस y दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 4, तो 4 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस आल्सो। 50 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, ठीक है, 50 के में क्या मेंशन किया, हाउ मेनी एल्कीन ऑन द हाइड्रोजनेशन गिव 2,3-dimethylpentane, द पेंटेन इज आवर दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग एल्कीन विल गिव 2,3-dimethyl ब्यूटेन। करना क्या है आपको, सिंपली देखना है कि किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड को रखा जा सकता है, ध्यान में रहे कि स्ट्रक्चर रिपीट ना करे, तो एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पे होगा, इस वाले पोजीशन पे नहीं रख सकता हूँ, क्लियर है, अदरवाइज ये सेम ही स्ट्रक्चर तो देगा, अलग स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, सेम ही स्ट्रक्चर आएगा, एक यहाँ पे हो गया। उसके अलावा देखो आप ध्यान से, इस वाले डबल बॉन्ड को यहाँ पे रखा जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। उसके अलावा देखना इस डबल बॉन्ड को मैं क्या करूँ, यहाँ पे रख दूँ, और एक केस ये आ सकता है इस डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे रख दो, तो टोटल आई थिंक 5 स्ट्रक्चर आर पॉसिबल विच कैन, 5 एल्कीन आर पॉसिबल विच आर गोइंग टू गिव 2,3-dimethylpentane ऑन द हाइड्रोजनेशन, द 5 विल बी करेक्ट आंसर। सिंपल सा केस है। 51 देखा जाए तो 51 के केस में दिया है कि इन द लसाइन टेस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स गिव ब्लड रेड कलर इन द फेरिक क्लोराइड कंपाउंड एक्स एंड व्हेन फ्यूज्ड विद द सोडियम मेटल फॉर्म अ कंपाउंड वाई। हम लोग को पता है कि जब कंपाउंड के अंदर कार्बन भी प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो, सल्फर भी प्रेजेंट हो, तो आपस में रिएक्ट करते हैं और ये फॉर्म करता है NaSCN, सोडियम साइनाइड। अब बोला गया कि यही प्रोडक्ट वाई है, जिसको अगर आप फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो, फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो, तो ये बनाता है FeSCN3, ये बनाता है जिसका हम लोग क्या देखते हैं, ब्लड रेड कलर। ठीक है, धीरे धीरे आपको याद, इसीलिए एडवांस में पढ़ाया जा रहा है कि चीजें आपको धीरे धीरे याद करना पड़ेगा।
क्या करना होगा आपको, डेली बेसिस पे जो ऑर्गेनिक है उसको रिवाइज करना होगा, अदरवाइज जैसे ही उसका रिश्ता टूटेगा एक दिन के लिए भी वो जो है गायब हो जाएगा, अगले दिन पता नहीं चलेगा क्या पढ़ा गया। तो डेली बेसिस पे एक बार जस्ट 10 मिनट के लिए ही सही, 15 मिनट के लिए ही सही, पुरानी चीजें रिवाइज करके आप बैठो, पुरानी चीजें जाए जो भी हो रिवाइज करो उसको, रिवीजन बहुत मस्ट है केमिस्ट्री पार्ट के लिए। अगर रिवीजन नहीं जाएगा तो फिर आपका मार्क्स भी उतना इफेक्टिव नहीं आएगा जितना होना चाहिए, तो उसके लिए रिवीजन आपको प्रॉपर बेसिस पे करना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा वाई है, इसका मोलर मास हम लोग को निकालना है। सिंपल सा कैसा है, सोडियम है 23, सल्फर है 32, कार्बन है 12 और नाइट्रोजन है 14, इसको आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 81। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, इसमें तो आई थिंक कुछ ज्यादा नहीं करना है हम लोग को। 52 के अंदर क्या मेंशन किया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिंग इज अ कंसीडर्ड एज अ पेरेंट चेन, वन बाय वन कंसीडर करें। देखो इसमें तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें सोचना ही नहीं है, रिंग इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन। नेक्स्ट केस देख लो, इसमें पेरेंट चेन, इस केस में देख लो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। अब इसका केस है कि पेरेंट चेन के अंदर ज्यादा, रिंग चेन के अंदर ज्यादा कार्बन है, तो रिंग चेन इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन। अच्छा फोर्थ वाले केस में क्या है, थर्ड वाले केस में देखिए आप, थर्ड वाले केस में कुछ ऐसे, ठीक है। अब इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, बट डिफरेंसेस क्या है, इसमें एक सब्सट्रेट जुड़ा हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ सब्सट्रेट ज्यादा है, ऑल्दो इसमें दोनों में 4 कार्बन एटम, तो इस केस में हमारा जो साइड चेन है वो पेरेंट चेन हो जाएगा, नॉट द रिंग चेन, क्योंकि सब्सट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सब्सट्रेट नहीं प्रेजेंट होता तब मैं बोल देता कि दोनों में सेम कार्बन एटम है, रिंग इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन। सब्सट्रेट प्रेजेंट है तो इन दैट केस विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन इन दिस केस। नेक्स्ट वाले केस में देखो, तो नेक्स्ट वाले केस में तो सिंपली ये दिया हुआ ही है, आपका COH ग्रुप जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है साइड ग्रुप में, तो ऑब्वियसली इस केस में जो साइड चेन होगा वो पेरेंट चेन हो जाएगा। नेक्स्ट केस देखो, डबल बॉन्ड साइड में प्रेजेंट है तो साइड चेन ही पेरेंट चेन होगा। और केसेस देखो, इसमें क्लोरीन OH ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो साइड चेन इज ऑल्सो गोइंग टू बी पेरेंट चेन। वैसे ही लास्ट वाला केस देख लो, सल्फोनिक ग्रुप, तो ये भी हमारा जो है जो साइड चेन होगा दैट इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन। तो 2 विल बी करेक्ट, यही दो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं हम लोग को, 2 विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। तो देख इसको आप जो है देख लो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया हुआ है, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, ये भी हलवा प्रॉब्लम है। क्या मेंशन किया है, हाउ मेनी ऑफ इथाइल ग्रुप आर अटैच एज अ सब्स्टिट्यूएंट टू द पेरेंट चेन, आपको बस पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कर लोगे इस केस में, आपको सिंपली ये पता चल जाएगा कि कितने इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ध्यान देना इसमें गलती लोग करते हैं, नंबरिंग जो है 20 से अगर स्टार्ट कर दिया तुमने बीच वाले कार्बन से, तो फिर एंड अप होगे रॉन्ग आंसर से। कभी भी नंबरिंग स्टार्ट होती है कार्बन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इथाइल ग्रुप कौन कौन सा हो गया, ये एक इथाइल ग्रुप हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये मत काउंट करना, ये बहुत लोगों ने काउंट किया होगा पेपर में, तो यहाँ पर 1, 2, 3 इथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट। अच्छा 54 एक अच्छा प्रॉब्लम है, एक अच्छा प्रॉब्लम है आइसोमरीज का, स्ट्रक्चरल आइसोमरीज का। क्या बोला है, कंसीडर ऑल पॉसिबल आइसोमरिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स, अमीन्स के केस में जो मॉलिकुलर जनरल फॉर्मूला जाएगा ये जाएगा CnH2n+3। याद है हम लोग जब नाइट्रोजन होता था तो जोड़ते थे, तो ये जनरल फॉर्मूला आ जाएगा 2n+3n, ठीक है, सही है ये। अब देखो आप इस केस में यहाँ पे इसका मोलर मास दिया हुआ है, बेसिकली मुझे अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में पहुंचना है तो उसके लिए मुझे मॉलिकुलर फॉर्मूला चाहिए होगा। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे निकाला जा सकता है, इन्होंने डेटा दिया हुआ है, द मॉलिक्यूलर वेट फॉर दिस कंपाउंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 87। तो इसके लिए आप सॉल्व कर लो, 2n+3+14 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 87। तो n की वैल्यू अगर सॉल्व करते हो यहाँ पे, सिंपली n की वैल्यू हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन में आप जाओ, अब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, तो ये हो जाएगा S13n, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज करके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, सिंपल सा केस है। क्या देखना है आपको, हाउ मेनी ऑफ देम आर सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस बनाना है, ठीक है। आप होमवर्क पे ट्राई करना कि कितने अमाइंस प्रेजेंट होगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जो है उस पर कमेंट कर सकते हो कि कितने टोटल नंबर ऑफ अमाइंस पॉसिबल होंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे सेकेंडरी अमाइंस पूछा है, तो हम लोग सेकेंडरी अमाइंस के लिए जाते हैं कि कितने सेकेंडरी अमाइंस पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 5, 4 out of 5 carbon 4 कार्बन इधर रख देता हूँ, 1 कार्बन इधर रख देता हूँ, बैलेंस ही मैं सेटिस्फाई नहीं करने जा रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि बाद में लोग पूछते हैं कि सर आपने हाइड्रोजन छोड़ दिया, मैंने जबरदस्ती उसको छोड़ा है, ऐसा थोड़े कि मैं बनाऊंगा तभी वो स्ट्रक्चर, मुझे पता चल गया ना कि ये सेकेंडरी अमाइंस है, तो रेस्ट बैलेंस ही तो आप सेटिस्फाई करो, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो अभी,
रेस्ट बैलेंस ही आप सेटिस्फाई करो, कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जानबूझ के हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, बैलेंस ही हाइड्रोजन रहेगा, वहां पे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, कैसे इसमें हम लोग अप्रोच रखे थे ये थोड़ा ध्यान रखना। तो चार कार्बन ये है ना, इसमें आप मॉडिफाइड करते जाओ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, दिस मॉडिफिकेशन। अच्छा, इसको शिफ्ट किया जा सकता है, देखो चेन से पोजीशन पे आया जाता है ना, कि पोजीशन से चेन पे जाओ। ठीक है, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाएगा, चेन और शॉर्टर कर देते हैं, कार्बन 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 लाइक दिस, नाइट्रोजन 1 2 3 4 यहाँ से स्ट्रक्चर आ गया। अब थोड़ा सा शिफ्ट करो, इसमें एक कार्बन इस वाले को दे दो, तो तीन कार्बन यहाँ पे हो गए और दो कार्बन यहाँ पे हो गए। इसमें तो कोई मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है, बट इस वाले केस में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ पे कार्बन इसे जोड़ दिया, ये कार्बन ऐसे हो गया। अच्छा, इस कार्बन को इधर लाया जाए तो फिर से 3 हो गया, तो फिर तो वही केसेस जनरेट हो जाएंगे, यही वाला केस रिपीट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी अमाइसिस 1 2 3 4 5 6 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 54 के केस में 6 विल बी करेक्ट आंसर। यस, फिर 6 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 54। तो ओवरऑल पेपर जो है करने लायक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत सारे डिफिकल्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत मॉडरेट से इजी तक के क्वेश्चंस रखे हुए। ठीक है, बट आपको ध्यान में रखना है कि जो एरर हुए हैं उसको मिनिमाइज करो। ठीक है, बेस्ट टाइम है, देखो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होकर नहीं करना है, आपको तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज देना होगा, तभी आप जो है अच्छा रैंक आपको मिल पाएगा। बिकॉज हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं विच सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी टफर एंड विच इज गोइंग टू बी द इजियर इन द जेई एडवांस पेपर। किसी साल में किसी सब्जेक्ट को जो है टफ बना देता है, किसी साल में किसी सब्जेक्ट को टफ कर देता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग के पास जब मान लो आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड होकर अगर पढ़ाई कर दे तो फिर हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। आपको फर्स्ट डे से जब भी आप पढ़ाई करो तो आप टारगेट रखो कि एवरी सब्जेक्ट हमारे लिए इक्वल वेटेज रखता है। ठीक है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, मैंने मतलब पर्सनल इंटरेस्ट होगा, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि कहाँ से मार्क्स मैक्सिमाइज किया जा सकता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कहीं से भी अगर मार्क्स निकल के आ रहा है तो उस पर फोकस करो। जहाँ आपकी गलतियाँ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, उस गलतियों को सुधारने की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये है हमारा जो है क्यूमुलेटिव टेस्ट। आई होप कि आपने ये केमिस्ट्री का जो पेपर है ओवरऑल तो इजी मैं कंसीडर करूंगा, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि कहीं फंसा मैं फंसा नहीं हूँ क्वेश्चन ऑल दो करते वक्त। तो अब ये सब कैसे कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। ठीक है, मॉडरेट आपके लिए होगा, मेरे लिए ईजी होगा, मेरे लिए जब मॉडरेट होगा तो आपके लिए टफ होगा, एक लेवल ऊपर जाएगा, बट ओवरऑल पेपर ईजी था। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में। थैंक यू।